नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। किसान आंदोलन को लेकर कई बातें सामने आई और ये लग रहा था कि आंदोलन पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही थी क्योंकि सिर्फ पंजाब के किसानों ने ही कृषि बिलों का विरोध किया, इसके बाद अन्य राज्य के किसान आए और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। अमरिंदर सिंह ने भी केंद्र सरकार के विरोध में काफी कुछ बोला। इस आंदोलन के समर्थन में केजरीवाल भी आ गए और कल ही उन्होंने पंजाब सरकार पर आरोप लगाए कि वो राजनीति न करे, मतलब कि मुद्दा एक ही है पर एक दूसरे का विरोध भी कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन ये राजनीति है जहां दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता और ये बात कल केजरीवाल ने साबित भी कर दी। इस गंदी राजनीति को ध्यान में रखकर ही शायद मीटिंग में से योगेंद्र यादव को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा धमाका हो सकता है। अगर बीजेपी की ये बात सच हो गई तो कोहराम मचा देगी, जिस बात का जिक्र केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, मुख्यमंत्री खट्टर और अन्य भाजपाई नेता कर चुके हैं। उसके सबूत जल्द ही सबके सामने पेश भी किए जा सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा था, प्रदर्शन करने वालों में कई किसान नहीं दिखते, किसानों के हित में क्या किया गया है, ये वो किसान नहीं है जिन्हें इससे यानी नए कृषि कानूनों से समस्या है, लेकिन ये लोग कोई और हैं। विपक्षियों के अलावा इसमें कमीशन पाने वाले लोग भी शामिल हैं। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्षियों को निशाने पर लिया, लेकिन उनकी ये बात अब शायद सच होते हुए भी नजर आ रही है। उन्होंने इस प्रदर्शन के पीछे विपक्ष का हाथ होने की बात कही। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि इस आंदोलन पर वे समय आने पर खुलासा करेंगे। तो कौन सी बात थी जिस पर बड़ा खुलासा हो सकता था? दरअसल इस आंदोलन पर सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि केंद्रीय एजेंसियों की भी नजर है। इनके मदद से केंद्र सरकार भी सारे सबूत इकट्ठे कर रही है ये साबित करने के लिए कि ये आंदोलन हाईजैक हुआ है। फोन टैपिंग के जाल में प्रमुख किसान नेता, विपक्षी दल, एक राज्य के बड़े नौकरशाह और कई दूसरे संगठनों के प्रतिनिधि फंस सकते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इस आंदोलन में देश विरोधी संगठन ज्यादा नजर आए। पहले खालिस्तानी आए, फिर PFI भी कूद पड़ी। सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए केजरीवाल ने अपनी चाल चली और रही सही कसर शाहीनबाग की अम्मा ने पूरी कर दी और कांग्रेस तो अपनी चाल चल ही रही है। आंदोलन के नाम पर चल रही राजनीति में इससे बड़ी बात और क्या होगी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को भी ठोक देंगे, यानी इंदिरा गांधी के लिए कोई ऐसी बात कर रहा है, और कांग्रेस की मजबूरी देखिए कि कांग्रेस उनके साथ ही खड़ी है। इस सियासत के शतरंज का खेल शुरू तो हुआ था पंजाब से, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर आकर अटक गया। पंजाब के किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और इन सब पर पूरी नजर रखी जा रही थी। दरअसल NIA के पूर्व IG रहे और कुछ महीने पहले ही अपने मूल कैडर हरियाणा में लौटे आलोक मित्तल को CID का चीफ बनाया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि CID ने किसान आंदोलन से संबंधित पूरी रिपोर्ट तैयार कर रखी, यानी सबकी कुंडली निकाल ली गई है और उसे केंद्रीय एजेंसियों के बीच साझा किया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर केंद्रीय एजेंसी अपने स्तर पर आंदोलन से जुड़ी खुफिया जानकारियां एकत्रित कर रही थी और एक एक जानकारी एकत्रित की गई है। केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट में कई ऐसे संदिग्ध लोगों की लंबी चौड़ी सूची तैयार की गई है जो किसान आंदोलन में शामिल है। सूत्रों ने बताया कि बुराड़ी तक किसानों को ले जाने के लिए सरकार ने जो तीर चलाया था उनमें एक साथ दो मकसद साधने का लक्ष्य रखा गया था। पहला कि किसान वहां आ जाएंगे और दूसरा किसान नेताओं के बीच इस मसले पर दूरी बन जाए। हो सकता है कि इस हाईजैक पर अब जल्द ही एक बड़ा खुलासा हो। इन सब पर योगेंद्र यादव ने कहा था कि हमें यह अंदेशा पहले से ही था, सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से इस आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए। मैंने खुद सरकार से आग्रह किया था कि किसानों के साथ शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत करनी है तो गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों को दूर रखा जाए। बता दें कि सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच चौथे दौर की बैठक चल रही है। बैठक में 30 से ज्यादा किसान संगठन के नेता शामिल है और योगेंद्र यादव को इसमें से निकाल दिया गया था। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन को लेकर और क्या क्या खुलासे होते हैं और सरकार और किसानों के बीच क्या तय होता है। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।